ये दूर दूर तक कोई चुनौती है नहीं, पर नौ चरोजाबाद और बदायूं तो इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं सर, आज मंगल है, पूजा पाठ भी रोज की तरह हो गया, क्या लग रहा है आपको, देश में माहौल कैसा है? लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आगरा के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब 7 तारीख को आए, कब मतदान केंद्र पर जाकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो अपने MP को जिताएं। और आज बूथों पर गजब का उत्साह है। ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोग सवार हो गए एक रोड शो में मैनपुरी में, जो गठबंधन के लोग थे, तो उसको लेकर किस तरह का मैसेज गया और क्या कहेंगे? ऐसे कृत्य वो अक्सर करते आए हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने 2012 में शपथ ली थी और इसके बावजूद थोड़ी देर बाद गवर्नर साहब का मंच भी तोड़ दिया गया था। तो ये अनुशासनहीन लोग हैं और महाराणा प्रताप किसी एक जात के नहीं है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारे साझा पुरखे हैं। हल्दीघाटी युद्ध उन्होंने अपने परिवार के लिए लड़ा था, बल्कि सभी हम सनातन धर्मियों के लिए वो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और उन पर झंडा लगाना, चढ़ना, मैं जूतों के चढ़ जाना, ये घोर अपमान, ये संस्कारों की कमी है उस पार्टी में। तो इस पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, निश्चित तौर से हो रही होगी, किसी न किसी ने जो भावनाएं हर्ट हुई होंगी। और पुलिस को भी इस प्रकार की स्वयं FIR करनी चाहिए जब कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे भाईचारा टूटता है, देश की एकता अखंडता मजबूत होती है, तो पुलिस को खुद बदी बनके करना चाहिए। एक और सवाल जो है, चुनाव के बीच में झारखंड में एक मंत्री के सचिव के नौकर के यहाँ नोटों की गड्डियां गिनने का काम चल रहा है, अंदाज लगा लो नौकरों के यहाँ हाल है तो मालिकों के क्या हाल होंगे। तो इस सब का असर पूरा चुनाव पे जाने वाला? कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रहा ही नहीं है, देश आजाद होते ही कृष्णा मेनन का जीप घोटाला हो गया, फिर हम लोग बड़े हुए तो बोफोर्स हो गया, फिर 2G हो गया, 3G हो गया, कोयले में घोटाला हो गया, कॉमन अपना क्या था, कॉमन ये जो राष्ट्रमंडल देश हुए थे उसमें घोटाला हुआ, तो करप्शन वहाँ कोई इशू है नहीं है। अच्छा, आगरा की बात कर लेते हैं, आगरा में चुनाव कैसा लग रहा है, प्रतिद्वंदी कौन? नहीं नहीं, प्रतिद्वंदी कोई नहीं हो, आप भी जानते हो, ये सवाल आप पूछते, सबको आप लोगों को पता है कि आगरा में कोई चुनाव नहीं है। उसका पीछे कारण है कि हमारे लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है, आगरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब होता था जो योगी जी के कार्यकाल में अच्छा है, और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष उतना ही काम करते हैं जितना एक SO और पुलिस के कांस्टेबल करते हैं, इतना संगठन सतत काम करता है, इसलिए दूर दूर तक कोई चुनौती है नहीं। आप स्टार प्रचारक भी हैं, तो यहाँ चुनाव खत्म होगा इसके बाद क्या तैयारी आ गया? आज ही रात को जाना है, इसके मैं अपना चुनाव लड़ते हुए भी फिरोजाबाद गया हूँ, मैं अपना चुनाव लड़ते हुए भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, फतेहपुर सीकरी, इसके अलावा मैं ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहूँ, जहाँ नहीं गया हूँ तो वहाँ के प्रत्याशियों ने अपील मांगी है, मैनपुरी अपील की है, एटा अपील की है, अलीगढ़ अपील की है, हाथरस अपील की है, और आने अब कल से तो दूसरे राउंड में जाने ही जाना है, आज ही रात को जाना हो, क्योंकि प्रत्याशी बनने के बाद जिन लोगों ने से 2-3 सभाएं मांगी जाती हैं उनमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी के साथ साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ साथ लोग, मैं कॉमन हूँ, या तो समर्थक प्रशंसक ज़्यादा है या मुझे लगता है कि मेरे परिवारजन वहाँ पर रहते होंगे, कुटुंब के लोग। करनाल आप गए थे और इस बार फिर डिंपल मैनपुरी से हैं, क्या लग रहा है मैनपुरी में कितनी चुनौती? देखिए 94,000 से मुलायम सिंह जी जीते थे BSP के गठबंधन के बाद, तो वो उनकी मृत्यु के बाद एक सहानुभूति थी जिसमें वो जीती थी, इस बार इलेक्शन वहाँ का भी फंसा हुआ है, जयवीर सिंह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है कि इस राउंड में उनके घर के तीनों लोग जो पिछली बार हारे थे, कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं, तो इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर SP सिंह बघेल, जो कि आज चूंकि आगरा में मतदान हो रहा है तो इन्होंने पूरे परिदृश्य के बारे में बात की, पूरे भारत का परिदृश्य कैसा है, इसके अलावा आगरा का क्या हाल है, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से अपमान हुआ है महाराणा प्रताप की प्रतिमा का, उसको लेकर भी इन्होंने तीखा प्रहार किया समाजवादी पार्टी पर। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।